ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, चाहे जैसा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल है तो इसको ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में लिखते हैं हाफ बेस हाइट। तो ये हो गया हाफ बेस, हो गया ओपी, ओपी इंटू हाइट हो गया पीपी, हाइट हो गया पीपी। अब ये बराबर हो गया हाफ ओपी, ओपी बराबर आर और पीक्यू, पीक्यू बराबर हमको मालूम नहीं है, तो पीक्यू कैसे निकालेंगे? देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा, सॉरी साइन डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा है, ये आर्टिकल ट्रायंगल मालूम थोड़ा देर के लिए, साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू होता पी बाई एच, तो पी ये हो गया पी परपेंडिकुलर बाय एच, ये हो गया एच ओक्यू, इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा ओक्यू साइन डेल्टा थीटा, इसलिए हो जाएगा ओ ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, यह बराबर हो जाएगा हाफ, ये टैन राइट एंगल ट्रायंगल ही मान सकता कोई बात नहीं, हाफ आर ओ की कितना है आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे सकते थे हाफ आर स्क्वायर होता है, लेकिन थोड़ा जानना चाहिए कैसे हो रहा है। अब हम दोनों तरफ डेल्टा थीटा से डिवाइड करते हैं, तो इधर हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा थीटा इक्वल टू हाफ आर आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा। डिवाइड करने का मतलब है जो गुणा में है इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड की पूरा डिवाइड एक ही बात है, एक जगह डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर दिए डेल्टा थीटा से। अब क्या करते हैं कि हम लिमिटिंग केस लेते हैं डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, मतलब छोटा सा पोर्शन लेते हैं डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, जब डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होगा तो ये डेल्टा आर भी क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा नजदीक आएगा ना, तो डेल्टा आर टेंस टू जीरो हो गया, ये डेल्टा आर बन गया। तो टेकिंग डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो इंप्लाइज दैट डेल्टा आर ऑल्सो टेंस टू जीरो। अब लिमिटिंग केस में डेल्टा ए बाय डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी ए बाय डी थीटा, डी ए बाय डी थीटा, यह हो जाएगा हाफ आर। अभी हम बोले डेल्टा टेंस टू जीरो तो यहां पर एक आर बचेगा, और हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन, हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन, मतलब यहां जो चीज यहां रहेगा और वही टेंस टू जीरो होगा तो पूरा का वैल्यू फॉर्म में, यहां जो चीज है वही चीज यहां पर है और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो इसका वैल्यू वन हो गया, ये हो गया वन। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डी ए बाय डी थीटा इक्वल टू हो गया हाफ आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में,
तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर बी थीटा। मान लो यहाँ है थीटा इक्वल टू इस पोजीशन है थीटा इक्वल टू थीटा वन से थीटा टू, यहाँ है थीटा वन और यहाँ है थीटा टू, तो हम थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला यदि ये पूरा फॉर्मूला इस फॉर्म में प्रॉब्लम रहे अभी हम बताएंगे, इस फॉर्म में अगर प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, अब हम इस पर छोटा सा प्रॉब्लम समझा देते हैं ताकि तुमको ये क्लियर हो जाए कि कैसे ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो आ जाओ हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम समझा देते हैं। एक प्रॉब्लम देखो, फाइंड द एरिया, सिंपल प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोइड ऑफ द कार कार्डियोइड ए वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। देखो ये कार्डियोइड है, कैसा होता है वो हम बता देते हैं। और ये किस फॉर्म में है, ये आर ये फंक्शन ऑफ थीटा, ये है इस फॉर्म में है आर, ये फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्म में है, ये कर्व और ये फंक्शन ऑफ थीटा है। इसीलिए हम समझने के लिए एक दो पॉइंट लेकर समझा देते हैं। यह मान लो यह आर ये कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा है, ये आर ले कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा ले रही है, कुछ भेद कर लो, मान लो आर का भेद जब जीरो देंगे, आर का वैल्यू जीरो देंगे तो थीटा, सॉरी जब थीटा का वैल्यू, थीटा इधर से लिखे इधर आर लिखे सुविधा हो, या थीटा लिखे इधर आर, सॉरी तो थीटा का वैल्यू जब जीरो लेंगे, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो लेंगे तो कॉस थीटा वन हो जाएगा, वन और वन टू हो जाएगा, टू इंटू ए टू ए आर हो जाएगा टू, ठीक है। दूसरा वैल्यू जब पाई बाई टू लेंगे, पाई बाई टू लेंगे तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि कॉस पाई बाई टू कॉस नाइन डी जीरो हो गया, वन बचा ए तो आर हो जाएगा ए। एक और वैल्यू लेकर बता रहे हैं, जब पाई लेंगे तब आर बराबर हो जाएगा जीरो। इसको हम ग्राफ से समझा देते हैं कैसे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा तुमको समझ में ठीक ठाक आएगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा तुम लोग ठीक ठाक कर लेना, हम लोग उतना बढ़िया नहीं कर पाते हैं, ठीक ठाक कर लेना। देखो जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है कार्टेशियन फॉर्म में, ध्यान दो थोड़ा सा बढ़िया से बात समझा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन फॉर्म में जो लिखते हैं इसको पोलर फॉर्म में, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू, इसको क्या कहते हैं
इनिशियल वाली, ये ओ एक्स ये हो गया इनिशियल, ठीक है। और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ये हो गया इनिशियल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो जब मान लो पॉइंट यहाँ पर रहा, ये नहीं यहाँ से रहा, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो हो जाएगा उस कलम में आर कितना है, टू एच, इसे यहाँ से इसको आर करते हैं, ये आर हुआ, ये डिस्टेंस जो भी होगा सब आर हुआ। तो जब थीटा इक्वल टू जीरो है तो आर इक्वल टू हो गया टू ए, यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ टू ए। और जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ पाई बाई टू, ये थीटा इक्वल टू जीरो, पाई बाई टू होगा तब कितना था आर ए, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया ए, आर इक्वल टू ए। और घूमते घूमते इधर घूमते घूमते जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब जब थीटा इक्वल टू अगेन घूमते घूमते ऐसे घूमा, देखो ऐसे 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 है घूमते 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 पाई जब हो गया, तब अगेन जब पाई हो जाएगा तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, r जीरो हो जाएगा। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई r इक्वल टू अगेन जीरो, तो यहाँ पर r क्या है, खरीद यहाँ पर टच किया हुआ पॉइंट के पत्ता के जैसे यहाँ पर टच किया हुआ तो जीरो। तो यह हो गया इसका ग्राफ। और हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट्री एरिया, पहले जैसे हम बताएं एक एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे हम यहां से यहां तक, तो उसका डबल कर देंगे तो दोनों तरफ निकल जाए। तो हम लोग देखते हैं हम जानते हैं एरिया बराबर द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बराबर ट्वाइस इंटू हाफ हाफ आर स्क्वायर थीटा। और ये कहां से कहां, जीरो से पाई, अभी हम बताए थे, ये देखो यहां पर थीटा जीरो है, फिर एक चक्कर मारा यहां से लेकर यहां तक आया, यहां पर भी थीटा क्या है, थीटा यहां पर पाई हो गया, आर यहां पर जीरो, आर यहां पर। तो यह हो गया एक तरफ का निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे, इसे डबल कर दिए, कैंसिल हो गया। अब ये हो गया जीरो से पाई, देखो आर दिया हुआ था, आर बराबर था क्या था, आर इक्वल टू का ए वन प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल टू वन प्लस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, जीरो से पाई वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी। और देखो अब इसको हम लोग सिंपल
और इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करके देख लेना ये आंसर आ जाएगा, में है ये आंसर आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाई 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2। अब आ जाते हैं आज बहुत कुछ बताना है, दूसरा चीज बता रहे हैं हाँ बोलो कहाँ पर? ओ तो तुम पीछे आया था क्या अभी? और इसको क्यों किए? ठीक है हम फिर से एक बार समझा देते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा हाँ ठीक है ठीक ध्यान से देखो। और हमको बोलना कि समझ पाया कि नहीं, हम तुरंत समझा देते हैं, फिर समझा देते हैं। देखो कोई स्टूडेंट को थोड़ा सा हर स्कोर कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं। ये मान लो एक स्ट्रिप एलिमेंट्री सेक्टर में एक छोटा सा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया निकलना है, यहाँ से यहाँ निकलना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, बस इसका एरिया निकालना है। तो ये मान लो है डेल्टा थीटा, ये है ओ क्यू। इस बार ध्यान से देखो कहां से आर स्क्वायर हुआ, इसको मान लिए आर और ये हो गया आर प्लस डेल्टा, इससे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको आर मान लिया, किसी नजदीक में ही है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ इसका लंबाई में आर पर डेल्टा हुआ, ये दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा थीटा, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया बराबर, इसके एरिया को अगर हम डेल्टा ए बोले तो डेल्टा ए छोटा एरिया है इसलिए डेल्टा ए बोलते हैं। डेल्टा ए बराबर क्या होता है? हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है। तो ये बराबर हो गया हाफ, इसका बेस क्या है ओपी, ओपी और हाइट क्या है पीक्यू, हाइट है पीक्यू। तो ये बराबर हो गया हाफ ओपी। अब पीक्यू निकालते हैं, पीक्यू कैसे निकालेंगे? देखो इस राइट हैंड एंगल में साइन डेल्टा थीटा, साइन का बराबर क्या होता है पी बाई एच, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया पीक्यू और इसको 90 डिग्री क्या वर्टिकल मानोगे तो सामने हुआ OQ, ये OQ हो गया, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो, अब समझ गए नहीं हम उसको उतना ही कर देंगे, बीच का समझ क्या बोल दिया और आगे बोल दिया कि समझ नहीं है, एक लाइन और देख लो आधा लिख रहा है बोला वो समझ गए। तो देखो ये PQ बराबर क्या होता है OQ sin delta theta, एकदम स्लो तो समझ नहीं समझने का बात ही नहीं OQ sin delta theta। देखो अगर स्टूडेंट बोलता है हम नहीं समझ पाए सर, तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट का दोष नहीं है, नहीं समझा इसीलिए ताकि हम बढ़िया से समझा नहीं पाए तो हमारा ही अपना दोस्त समझते हैं ठीक से नहीं समझा पाए। ऐसे हम स्टूडेंट को समझाते हैं तो 99% स्टूडेंट एक बार में समझ जाता है, 1% शायद कोई रहता है उसको दोबारा समझाना पड़ता है। तो देखो ये हो गया, अब देखो इसका मतलब हुआ डेल्टा ए बराबर हाफ ओपी आर है OQ R प्लस डेल्टा R है साइन डेल्टा थीटा रख दिए, दोनों तरफ किसे डिवाइड कर दिए डेल्टा थीटा से, इधर भी डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिए
पूरा को डेल्टा थीटा को डिवाइड किया लेकिन इसके नीचे नहीं, ठीक है। अब लिमिट ले रहे हैं डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो इंप्लाई दैट डेल्टा आर टेंस टू जीरो। तो जब ही डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होगा इसको क्या कहलाएगा, डी ए बाई डी थीटा, यह कहलाएगा डी ए बाई डी थीटा। और ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया, इधर बन जाएगा हाँ गुना आर गुना ये डेल्टा, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, तो यहाँ एक आर बचा और आर गुना होकर के ये आर ग्रोथ हो गया, मतलब हाँ आर स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ थीटा किस तरह के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लो तो एरिया को पूरा एरिया निकल जाएगा। ऐसे सब बहुत सा इस तरह का सेक्टर है एलिमेंट्री सेक्टर, इसको जोड़ देने पर ये पूरा जगह हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये a बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर d थीटा, मान लो ये थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इक्वल टू थीटा 2 तक है, तो ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2, इसीलिए r स्क्वायर हुआ। अभी स्टूडेंट पूछा सर r स्क्वायर कहाँ से आया, तो एक बार फिर बता दिए इस तरह से कि r स्क्वायर आया। चलो आगे प्रॉब्लम करो, आगे बता रहे हैं एक और प्रॉब्लम देख लो। फाइंड फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय द रेगुलेशन रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक्स अबाउट अबाउट इट्स एसिम्प्टोट ठीक है। तो ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, हम इसको सब चीज पार्ट बाय समझाने पर इसका फिगर देख लो, इसका फिगर इस तरह से होगा, ये कर इस तरह का इस तरह होगा स्टैंडर्ड नंबर इस तरह का धनुष टाइप का होता है और ये हो गया इसका एसिम्प्टोट, थोड़ा सा सटा टाइप का हो जाएगा, ये एसिम्प्टोट हो गया। तो बढ़िया से लिख दें, तो कहा है क्या कि अगर इस कर्व को ये एसिम्प्टोट लाइन है, इस कर्व को एसिम्प्टोट लाइन के चारों तरफ घुमाया जाए आप बोलो देखो बेटा तो अलग से चैप्टर ही है कर्व ट्रेसिंग का, थोड़ा सा उस सबको तुम देख लेना। अभी तो हम कम से कम इतना बोलेंगे कि स्टैंडर्ड कर्व और उसका इक्वेशन ये ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक अभी तो पढ़ो,
अभी आज इसको हमको खत्म करना है, किसी दिन में हम टेस्ट करके बता देंगे, ठीक है। देखो इसमें नया नया चीज पूछा है। सबसे पहले एक टर्म है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या है, तुम लोग थोड़ा सा एसिम्प्टोट को हम तक बता दें और कैसे हम कहेंगे कि ये एसिम्प्टोट ऐसा होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम एकदम सिंपल में एक लाइन में वो भी बता देंगे। और इसको अगर हम चारों तरफ घुमाएंगे तो कैसा डिजाइन होगा, जो सॉलिड बनेगा उसी का हमको निकालना है बल्ब, जो सॉलिड बनेगा उसी का हमें निकालना है। ऐसा बल्ब कितने छोटा कैसा कि ऐसा होगा, यह लाइन है इधर भी ऐसा गोल टाइप का, इस तरह का होगा, इस तरह का घूमते घूमते इस तरह का डिजाइन बना उसको बल्ब निकालना। तो पहला नंबर ये बोला है अबाउट एसिम्प्टोट। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि कोई कर्व, मान लो ये कर्व है, ये एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो जो ये बनाएगा ध्वनि बनाएगा, एक सॉलिड बनाएगा, तो उसका क्या ध्वनि, चाहे इधर ऐसे भी हो सकता है, इधर घूम रहा है ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है जो ना एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है ना वाई एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है, ये एसिम्प्टोट के चारों तरफ। तो पहला ये जो टर्म आया एसिम्प्टोट, इसी को समझने के लिए एसिम्प्टोट क्या है, मान लो कोई कर्व है, ये कर्व है और एक्स एक्सिस, ये ड्राइंग की स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस इस कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है, इस कर्व को बढ़ा देंगे ये बढ़ते जाएगा, तो ये पी डिस्टेंस घटते जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या करेगा, टच करेगा, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस में ये लाइन इसका क्या है, एसिम्प्टोट। ये क्या है, दूसरा तरह से हम ये बता है, मान लो कि ये कोई लाइन है और कर्व है और ये कोई लाइन है, तो लाइन है y equal to mx plus c, और ये स्ट्रेट लाइन बराबर एसिम्प्टोट क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, ये मान लो इंफिनिटी में जाकर इस पर टच करता है, ये कहां टच करेगा, इंफिनिटी में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इसको एसिम्प्टोट कहा जाता है, इस कर्व का क्या कहा जाता है, एसिम्प्टोट। तो ये एसिम्प्टोट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये तो हुआ ये एसिम्प्टोट क्या चीज है। अब रहा कि यहां पर हम कैसे जानेंगे कि यहां पर एसिम्प्टोट होगा, ये कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, हाँ ये लाइन यहां पर एसिम्प्टोट होगा कैसे जानेंगे, ये एसिम्प्टोट को निकालेंगे कैसे, तो एसिम्प्टोट एक चैप्टर ही है, हम लोग यहां पर थोड़ा सा फिर बता दें। देखो ये y एक्सिस के पैरेलल इसी कर्व का, ध्यान से सुनो नहीं तो फिर बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे तो बोलेगा कि समझा नहीं सर, किसी भी कर्व का अगर पैरेलल टू द y एक्सिस एसिम्प्टोट निकालना हो तो क्या करते हैं कि उस कर्व का हाईएस्ट पावर ऑफ y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं जीरो से। फिर एक बार बोलते हैं, अगर हमको किसी भी कर्व के कर्व का हमको एसिम्प्टोट निकालना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब क्या करेंगे, वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे जीरो से। सिमिलरली अगर मान लो हमको पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना होता तो क्या करते हैं, x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते जीरो से, तो हमको मिल जाता है y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। अब हमारा प्रश्न देखो,
हमारे केस में y स्क्वायर, y के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, a माइनस x, इसलिए a माइनस x इक्वल टू जीरो, यही हुआ कोफिशिएंट इस कर्व का पैरेलल टू y एक्सिस, यानी अलाइन हो जाएगा x इक्वल टू a, ये लाइन हो गया, ये जो सिंपल कर्व लाइन है ये है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ठीक है। अब यहां तो हो गए, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक रिंग टाइप का ले लेते हैं, एक यहां पर रिंग टाइप का ले लिया, यहां पर एक रिंग टाइप का ले लिए हैं, ये हो गया रिंग टाइप, ये रिंग टाइप का ले लिए, और ये रिंग टाइप का हो गया, और इसका जो ई है विड्थ है या हाइट है, वो हाइट कितना हो जाएगा, चूंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस इधर है, इधर है, इधर इसकी मोटाई हाइट क्या हो जाएगा, वाई, इसमें वाई में आएगा, इधर ही है ना, ये डेल्टा वाई या वाई में आएगा, ठीक है, इधर आएगा। और एक चीज और बता दें कि इसका जो ये डिस्टेंस होगा, ये पीएम यहां से ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस क्या होगा, वो आप निकाल लेते हैं, कहीं पर भी डिस्टेंस निकालो, ये देखो हम एक्चुअली गणना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिना गणना के उसको घुमाएंगे तो कैसा होगा, इसको गणना बिना किए तो तुम समझेगा भी नहीं, अच्छा थोड़ा हम गणना कर ही देते हैं, इधर घुमाएंगे चार किसका होगा, ये इसका हम स्ट्रीट ले लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस x माइनस ए हो जाएगा, पहले इसको पीएम मान, ये p इसको m मान, ये pm pm, ये p पॉइंट x मान, इसका पॉइंट x है और यहां से यहां a है, इसलिए ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, a माइनस x, ठीक है, घूमेगा क्या होगा, थोड़ा गंदा हुआ लेकिन बिना इसको ऐसा समझ नहीं आता, समझ में नहीं आता इसको इस तरह से। अब हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ये वॉल्यूम बराबर होता है ट्वाइस, हम बताते जाएंगे पर थंब रूल लिख लो, जीरो टू इन्फिनिटी पाई आर स्क्वायर डिवाइड, देखो तो इसका पार्ट टू क्या समझ लो, हम सबसे पहले ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक कर्व है, और इधर जैसा है इधर भी वैसा ही है, इसलिए हम यहां से यहां तक का जो घूम रहा है इधर फॉर्म निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे। अच्छा ये सिमेट्रिक क्यों है, तो एक चीज याद रखो, कोई काम नहीं, अगर y में इनहेरेंट पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है,
फिर बात बोलते हैं, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, खूब बढ़िया समझ लो ये सब बात। अगर x में इधर पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, अगर सॉरी y में अगर इधर पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और अगर x में इधर पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, अगर एक्स वाई दोनों में इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हाँ ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए यह है सिमेट्रिक है, इसका मतलब हम इधर से लेकर इंफिनिटी तक जब लेंगे इधर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है इंफिनिटी में जाना खास करता है, तो हमको वहां पर बाउंड्री खत्म हो जाएगा, तो इधर का एरिया हमें वॉल्यूम निकल जाएगा इतना का, हाँ बोलो तो हम बता देंगे, रुको देखो थोड़ा पैराबोला के विषय पूछा, हम बता देते हैं। देखो मान लो यह है y इक्वल टू 4x2 चाहे x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, या सिंपल हम जो अरविंद से भाटक वॉल्यूम है वैसा करा दूंगा, थोड़ा देख लो बेटा, कंफ्यूजन मत करो, समझ गया। देखो हम बताएं कि इसमें x में इवन पावर है, x में इवन पावर है तो इसका उल्टा होता है, यह सिमेट्रिक अबाउट y ऐसे, और अगर देखो ऐसा रहा, मान लो y स्क्वायर ऐसा रहा, इसको ऐसे करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4x रहा ऐसा रहा, y की घन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस ऐसा होगा, अगर दोनों में घन पावर है जैसे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें इसमें दोनों में घन पावर है तो यह सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस दोनों तरफ होगा, ठीक है, इधर जितना होगा इधर भी इतना होगा, इधर जैसा होगा इधर भी जैसा होगा, इससे इधर को आ रहा है इसमें भी, हाँ बोलो, हाँ क्लियर हो गया सर, तो इधर हो गया, इसे थोड़ा सा ध्यान देखना, हो गया ठीक है, चलो तो हमको जहां से पूछा 11, 10, 12, 9, 10 दो तीन चीज रहे, हम इरिटेशन नहीं होता है स्टूडेंट को पूछने पर, ये नहीं बोलते हैं कि मामूली बात तो तुम नहीं जानते, अरे सबको जानता तो हमारे पास पढ़ने क्यों के लिए आता है ना, इसलिए हम मान के चलते हैं जो भी हो जितना ही पढ़ो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो हमारे ख्याल से समझ गया होगा कैसे सिमेट्रिक होता है क्या होता है, वो समझ गया होगा, तो अब हमको थोड़ा पढ़ाने, हाँ तो ये हो गया। अब हम बताए थे कि वॉल्यूम बराबर बराबर क्या लेते थे, यह होता था वॉल्यूम बराबर होता था पाई आर स्क्वायर डीएक्स या डी वाई, क्यों कब होता था डीएक्स, अगर मान लो कि कोई कर्व ऐसा है इसके तरफ से घूम रहा है ऐसा बनेगा, घूमते घूमते इस टाइप का बनेगा, तब हम ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे, ये जो ऊंचाई है ये डीएक्स होता था, ये डीएक्स, और यहां से यहां जो ये हाइट है ये हुआ आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर डीएक्स, और इसे सब कर देते थे तो पूरा रिंग सब इनको कर देंगे, एक एक इनका भर निकाल लेंगे, ये सॉलिड है सॉलिड इनका भर निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं पूरा निकाल देंगे, ठीक, अगर वर्टिकल होता मान लो y एक्सिस है ऐसा होता
तब क्या होगा, यह ये जो भी है यह हो गया डी वाई, यानी ये इसका मोटाई, ये जो मोटाई है ये क्या हो डी वाई, ये डी वाई हो गया। और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस डी एक्स हो गया, सॉरी ये रेडियस एक्स हो गया। इसके फॉर्मूला में होता है पाई आर स्क्वायर, आर जो थोड़ा डी एक्स हो गया और ये डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ करके और देखना यहाँ क्या है, यहाँ ना एक्स है ना वाई, वो सब कुछ नहीं है, यहाँ इसके चारों तरफ सब हो गया, इसलिए इसको निकाल दिया, ये डिस्टेंस हो गया, यही हुआ आर, ये आर हो गया। चलो आई सब मोटाई मोटाई भी हम इसी तरह से ले लेंगे भाई में, इसलिए ये डिवाइड हो गया। तो ये देख लो ये हो गया ट्वाइस जीरो से इंफिनिटी पाई, पाई को बाहर निकाल दो, और पीएम ये जो पीएम है इसको हम लोग क्या था प्रॉब्लम क्या था, पीएम था पीएम स्क्वायर, ए माइनस एक्स नहीं होगा, ये पीएम रहने दे, हम पीएम निकाल देते हैं, पीएम इसका बराबर हो जाएगा ए माइनस, ए माइनस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई, कैलकुलेशन किया हमने ऐसा होल स्क्वायर। देखो थोड़ा सा हम अलग से इसका कैलकुलेशन समझा देते हैं, थोड़ा सा देख लो, हाँ बोलो, अच्छा हम क्या करते हैं दिखा देते हैं, फिर से आप फिगर से देख लो, पीएम दिखा देते हैं क्या होगा कहां से कहां तक। रुको पिक्चर थोड़ा सा देखो, यहां से हम देखो पहले इसको देख लो, ये तो हो गया, ये एक्स बराबर निकाल लो, एक्स बराबर आ गया ए वाई स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इक्वेशन से निकाल लो, ये हो गया तो ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ए माइनस ए वाई स्क्वायर बाई और
हेलो हाँ वॉइस ये वॉइस कॉल है ठीक है ये वॉइस कॉल। अब देखो यहाँ ये जो होता है इस कॉल में जब इंटीग्रेशन रखता है तो हम लोग मान लो k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन रखता है तो पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा ठीक है और पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा इस फॉर्म में ये पुट करते हैं। इसको हम चाह रहे हैं कि e फॉर्म में आ जाए, पोलर फॉर्म में आ जाए तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, पोलर फॉर्म में आ जाए तो आसान हो जाएगा। तो देखो ये कैसे फॉर्म बन रहा है, इसलिए द रिक्वायर्ड फॉर्म इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स बराबर होगा, तो रिक्वायर्ड फॉर्म हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा टू पाई ये उधर फिगर देखो कहां से कहां तक है, बार बार ये था तो देखो हम इधर जब कर रहे हैं तो यहां पर वाई कितना है जीरो और इधर ये जाकर टच कहां पर करेगा इन्फिनिटी में, इसीलिए इसका लिमिट जो हो जाएगा पहला लिमिट हो जाएगा वो हो गया जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा और इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, इसको कैलकुलेशन करके थोड़ा सा देख लेना निकाल कर देख लेना और इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू a tan थीटा, पुट कर देंगे y इक्वल टू a tan थीटा तो डिवाइड हो जाएगा a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, साथ साथ लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा व्हेन व्हेन y इक्वल टू जीरो है। ये कैलकुलेशन तो मान लो कि सब कर रहे हैं, ये सब चीज समझ लो कैसे लिमिट चेंज हो रहा है, कैसे कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब को समझ लो। तो व्हेन y इक्वल टू जीरो ये y इक्वल टू जब जीरो होगा उस हालत में थीटा क्या हो जाएगा tan जीरो इक्वल टू जीरो, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा when y equal to 0, theta equal to 0. जब y equal to infinity, y equal to infinity हो जाएगा, उस हालत में theta equal to क्या हो जाएगा? pi by 2, क्योंकि tan pi by 2 infinity हो जाएगा, तो theta equal to हो जाएगा pi by 2, तो tan theta equal to pi by 2 हो जाएगा, इसको calculation करके देख लेना, और ये आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमको अधिक चीज़ आपको बनाना है, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 2 पाई a क्यूब 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा ये आएगा। हाँ बोलो ये जो ऊपर ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, जब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चेंज करके देख लो ना इतना आएगा और इसका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब बाय टू ये वैल्यू आएगा। तो
थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि आज हमको बहुत चीज पढ़ाना है, पूरे गर्म हो रहा है, थोड़ा सा इसको हल्का ही दिए, जो बाद में इम्पोर्टेंट चीज है उसको थोड़ा सा अधिक टाइम देंगे, इसको देख लो। तो इसको कैलकुलेशन करके देख लो ना, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तो बताइए, जो बेसिक चीज है वो हम समझाते हैं, कैलकुलेशन अपने से कर लेंगे। एक्चुअली आज हम आ रहे हैं, आज ये बताएंगे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है ये सब बताएंगे, इसलिए समय कम है, थोड़ा सा शॉर्टकट किए, अगर 15 मिनट में हमको बाकी सब चीज बता देना है। तो पहले देख लो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन का हमको जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, सबसे पहले है कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो मान लो कि एफ वाई इक्वल टू कुछ इस तरह से है, एफ एक्स वाई इस तरह से, इसको वैल्यू कर दे पर मान लो माइनस, तो हमको एफ डैश वाई मान निकालना है, इसको डी बाई डी वाई निकालना है, एफ एक्स वाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब मान लो इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करो तब डिफरेंशिएशन करो, तो बहुत जगह इंटीग्रेशन करने में ही दिक्कत होता है। तो इस हालत में क्या करते हैं कि ये जो रूल बता रहा है, ये रूल हम लोग का लैग्रेंज रूल बोला जाता है, एल आई डी एन आई टी लैग्रेंज रूल, लैग्रेंज रूल क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अंदर कर देंगे डेल्टा बाई डेल्टा वाई एफ एक्स वाई, इस तरह से हम इसको कर देंगे, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यही है जिसके कारण से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, इसी कारण एक प्रॉब्लम से जो क्लियर हो जाएगा, एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। अभी बहुत चीज है, गामा फंक्शन बताना है, बहुत चीज बताना है, जैसे क्लियर होगा, देखो एक प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। प्रूफ दैट zero to one x to the power y minus 1 by log x dx equal to log 1 plus y equal to log 1 plus y. हम सोचे कि टीचर आ गए हैं क्या, आप लोग ये मान लो हमको प्रूफ करना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए हम लोग का जरूरत पड़ता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। तो पहले हम मान लें लेट ये चूंकि वाई से रिजल्ट आ रहा, तो लेट एफ वाई इक्वल टू 0 to 1 x to the power y minus 1 by log x dx, इसको हम लोग एक नंबर मान लें, लेट f y equal to 0 to 1 x
to the power y minus 1 log x dx. अब f dash y बराबर f dash y बराबर 0 to 1 क्या होता है? अभी क्या समझते हैं? उससे पहले भी जो ये हो जाएगा del y del x x y minus 1 by log x dx. तो ये इंप्लाई करेगा f dash y बराबर हो जाएगा 0 to 1 del x. इसको दो पार्ट में बांट दो, एक हो गया x to the power y by log x, दूसरा हो गया 1 by log x dx. अब देखो जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा? ये जो कांस्टेंट काम करेगा, y ये कांस्टेंट काम करेगा, सॉरी y की स्थिति हाँ. तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी y, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट हो जाएगा. इस हालत में इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तब हमको क्या मिलेगा? हमको सब चीज यही पर होना चाहिए, समझाने में सुविधा होगी. तो एफ डेस वाई बराबर हो जाएगा 0 to 1 x y log x y log x by log x dx. क्यों? कि ये कांस्टेंट है, इसका जीरो होने पर ई कैसे होगा? देखो ax अगर ये कांस्टेंट ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ax log a. ठीक हमारे केस में ये है, x ये कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो ये हो गया xy हो गया, और a की जगह पर x है, तो a log ये हो गया. अब देखो ये log x कट गया, log x कट गया, और अब हम यहां पर इसको इंटीग्रेशन करते हैं. कौन है? एक मिनट, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 to 1 x y dx. अब देखो ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा x y plus 1 by y plus 1 plus c. ये हो गया x y plus 1 by y plus 1 plus c. अब सॉरी सी नहीं है, फाइनल लिमिट है 0. तो एक बार हम लोग x का वैल्यू 1 दें, और एक बार x का वैल्यू 0 देंगे, तो
तो x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे है भी y plus 1 और जब x का वैल्यू 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 1 by y plus 1 यानी f dash y equal to हो गया 1 by y plus ये हो गया। अब लास्ट लाइन अब क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा f y बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की स्क्रिप्ट में कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log y plus 1 ये log y plus 1 और चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है इसलिए कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट c। अब c का वैल्यू हमको निकालना है c का वैल्यू हमको निकालना है तो देखो when y equal to 0 when y equal to 0 हम 1 माने थे 1 में देखो y equal to 0 देने पर क्या होता था y equal to 0 equal to देख लो तुम लोग हम किसको 1 माने थे y equal to किसको 1 माने थे मिटा दिए क्या हाँ यहाँ मिटा दिए अच्छा हम बता रहे थे किसको देखो किसको माने थे ये था y बराबर 5 नंबर का f y बराबर था 0 टू 1 देख लो x y माइनस 1 बाय log x इसी को एक नंबर मान लो dx इसके एक नंबर मान अब जब y को 0 कर देंगे देख लो when y को 0 y को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर ये 0 हो जाएगा x की पावर 0 का मतलब 1 1 माइनस 1 मतलब 0 ये 0 हो जाएगा इससे इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा इसके अपन y को 0 f y equal to 0 इस हालत में ये हो गया f y 0 हो गया और y बराबर 0 देंगे तो यहाँ बचेगा log 1 और log 1 0 होगा इसलिए अगेन 0 हो गया 0 plus c यानी c equal to 0 therefore if y बराबर हो गया log y plus 1 y plus 1 proof इसी प्रॉब्लम को जब ये प्रॉब्लम एक बार पूछा गया है इस प्रॉब्लम को कभी कभी ऐसा पूछा जाता है एक बता देते हैं इसको पूछा गया है एक बार एक्स वाई के जगह पर अल्फा मान के वाई के जगह पर अल्फा का उपयोग पूछा गया है इसलिए प्रॉब्लम जैसे भी हो बेसिक चीज यही है इसको ध्यान से देखो अब हम आते हैं थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा सा और अब आते हैं गामा फंक्शन में एक छूट गया था उसको थोड़ा बता गामा हाफ इक्वल टू व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गामा हाफ इक्वल टू व्हाट इस पर एक प्रॉब्लम भी समझा देंगे उसके बाद गामा हाफ बता देंगे देखो एक प्रॉब्लम है बोलो उसका मान लिए थे
वो जो इंटीग्रल था ओरिजिनल इंटीग्रल उसको हम मान लिए थे एक्स वाई से, देखो आता है ना ये एफ वाई बराबर था, एफ वाई बराबर था कुछ एलिमेंट जो भी हो एक्स की पावर वाई माइनस वन वाई लॉग एक्स डी एक्स बराबर लाइन में देखो एफ जीरो वाई की जगह जीरो हो जाएगा माइनस वन लॉग एक्स डी एक्स, एक्स जीरो का मतलब वन, वन माइनस वन जीरो तो पूरा ये हो गया ठीक है। ठीक है एक तो प्रॉब्लम देख रहे हैं ठहरो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कहाँ नहीं देख रहे ठीक है उसको बताते हैं। उसके बाद ये गामा हाफ दिखाएंगे उसको, हाँ देखो एक साथ दोनों होगा गामा हाफ भी होगा और एक दोनों प्रॉब्लम होगा। पहले एक बार ये पूछा गया है प्रूव दैट जीरो टू पाई बाय टू साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा इक्वल टू पी प्लस टू सॉरी पी प्लस वन बाय टू गामा क्यू प्लस वन बाय टू ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस टू बाय टू ठीक है। पर इसको देख लो इसी पर जब प्रॉब्लम आ जाए गामा इसी से निकल जाएगा, अलग भी निकाल सकते हैं कि बढ़िया शॉर्टकट में अपन बता देते हैं। तो देखो वी नो दैट याद करो बीटा फंक्शन का ये बताया था पोलर फॉर्म में क्रोमेटिकल फॉर्म में, वी नो दैट बीटा एम एन बराबर होता है जीरो टू पाई जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा यही होता है। और इसे पुट कर दो पुटिंग टू एम माइनस वन इक्वल टू बी और टू एम माइनस वन इक्वल टू Q, 2m minus 1 equal to P और 2m minus 1 equal to Q, इसीलिए m बराबर हो जाएगा, this implies that m बराबर हो जाएगा, हम उधर ले जाएंगे तो P plus 1 by 2 और this implies that m बराबर हो जाएगा Q plus 1 by 2, तो इधर इधर होगा इधर होगा तो लेफ्ट साइड हो गया बीटा लेफ्ट साइड हो गया अच्छा। और एक चीज बता दें कि इसमें बीटा एमएन का गामा फंक्शन में हम जानते हैं क्या होता है दिस इक्वल टू होता है गामा एम बाय गामा एम प्लस एम, हम पहले पढ़ा चुके हैं और ये बराबर राइट साइड में इसको एक बार लिख दो जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा। अब इसको यूज करो तो एम बराबर हो गया पी प्लस टू बाई टू तो एम के जगह पर लिख दो गामा पी प्लस वन पी प्लस वन बाई टू इसके जगह पर लिख दो क्यू प्लस वन बाई टू
और ये नीचे हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस टू बाई टू। इधर हो गया, इस साइड में देखो ये साइड हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू और ये साइन इसको माने हैं पी पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा। इसका जरूरत हमको पड़ेगा, एक प्रॉब्लम भी हो गया इसका जरूरत हमको पड़ेगा, इसमें निकालने के लिए। तो आज दो तरफ पूछे जाता है बोलो, अरे जल्दी से बोलो, बोलो हाँ उसको कर देख लेना, हम जल्दी जल्दी में है थोड़ा सा, दो मिनट आप माफ कर, तीन चार मिनट और टीचर पढ़े हम देख लेना, हमको पढ़ाने दो ठीक, थोड़ा इसको खत्म करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हम थोड़ा समझाना था जितना उसको थोड़ा दिन कर रहे बता रहे थे कि दो आता फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, यह गामा हाफ का वैल्यू निकालो, ये आता है, यह कभी कभी आता है Prove that gamma half equal to root pi, दोनों important है, और two बगैर देखो ना calculation तो two इधर जाएगा, तुम सब थोड़ा सा देख लेना, पहले हम हमारे को तो डेढ़ मिनट टाइम बच रहा है, टीचर खड़े हैं, जब अभी जस्ट इसमें हम यूज कर पाते हैं, जो formula उधर लिखे हैं बराबर होता है पी प्लस वन बाई टू क्यू प्लस वन बाई टू पी प्लस क्यू प्लस टू बाई टू ये होता है। अब देखो यहां p को टू कर दो, p को टू जीरो टू को टू जीरो टू कर दो, पुटिंग p इक्वल टू जीरो q इक्वल टू जीरो, तो p को टू जीरो q को टू जीरो जैसे पुट कर देंगे इसमें, इसका भी प्रूफ कर चुके हैं, इसमें प्रूफ कर दो तो क्या हो जाएगा, ये पी जीरो वन हो जाएगा, पी थीटा ये हो जाएगा एकदम सिंपल जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा डी थीटा। इधर देखो, इधर पी जीरो वन बाई टू गामा हाफ, गामा हाफ तो इधर हो जाएगा गामा, गामा हाफ का होल स्क्वायर बाई ये थ्री प्लस क्यू, ये जीरो ये जीरो, ये टू बचेगा टू बाई टू टू वन और गामा वन इक्वल टू वन होता है, इसलिए ये वन हो गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट गामा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा जीरो से पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, और दोनों तरफ टू ले लो इसका मैंने स्क्वायर को हटा दो, ये हो जाएगा गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय टू। एकदम छोटा मेथड, हालांकि इंडिपेंडेंट मेथड है, इंडिपेंडेंट मेथड है, लेकिन इसको तुम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकता है, और चाहे जो एक लाइन छोड़ देना एक लाइन में डिवाइड हो जाता है, तो ये बहुत आसानी से बनता है। देखो ये इसमें भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गामा हाफ का टेक ऑप्शन रहेगा,
gamma half equal to pi by two कौन सा ठीक है इस टाइप का ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्सिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जाता है अब थोड़ा सा क्या बचा एक चीज और एक चीज भी नहीं तो उसमें तुम्हारे टीचर आने का आ गए हैं और आराम से बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो कितना था ये फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट पाई हाफ इक्वल टू रूट पाई था क्या देख लेते हैं क्या था देख लेते हैं अच्छा पहले हमको देखो तो ये था क्या हाफ इक्वल टू रूट पाई था टू दैट रूट हाफ इक्वल टू रूट पाई रूट पाई बाय टू होता पाई बाय टू रूट पाई बाय टू अरे इतना फोन करेगा तो हम पढ़ाएंगे समझाएंगे क्या बेटा हाँ सही 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 आप लोग तुम यहाँ पर था बाहर में सही ठीक है हाँ वो पाई पाई हो जाएगा ठीक है मैम हाँ ठीक है अगर देखो एक बात हम बताओ अगर बढ़िया से हम लिखने पर ध्यान करें तो तुम समझा नहीं पाएंगे ध्यान हमको समझाने में रहता है तुम लोग देख लेना ठीक है हम पूरा पूरा ध्यान देते हैं कि किस तरह समझा रहे ठीक है ओके ठीक है सबके लोग बोल देते हैं सभी समझ जाएगा तुम लोग देखते रहना कोई चीज छूटेगा तो अपने थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना क्योंकि हमारा 100% टाइम देते हैं समझाने के लिए लिखने के लिए नहीं देते हैं ठीक है ठीक है तो इसको देख लेना एक टू वहां पर था उसको कंप्लीट कर लेना ये इधर वाला टू है इसको देख लेना तो ये हो जाएगा पाई हो ठीक है तो इस तरह से मॉड्यूल टू खत्म हो गया एक बार हम पूरा मॉड्यूल टू का रिवीजन में एक दिन टाइम देंगे तो पूरा मॉड्यूल टू को इम्पोर्टेंट पार्ट को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देंगे और जितना भी फॉर्मूला यूज हुआ है और रिजल्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट उसको ध्यान देना वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में काम देगा ठीक है थैंक यू वेरी मच कहीं पर थोड़ा कैलकुलेशन कहीं है कहीं पर कुछ छूटा हुआ है उसको तुम लोग ध्यान देना फिर एक बार बोल देते हैं क्योंकि ध्यान को लिखने में कम रहता है तो समझाने में अधिक रहता है तो कहीं पर छोटा मोटा चीज छूट जाएगा तो सब कुछ ध्यान ठीक है थैंक यू वेरी मच
Thank you.